डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर का मैथ चैप्टर नंबर फोर एक्सरसाइज नंबर सेवन का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम। दिए हुए क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉलम वाइज लिखना है, उसके बाद फिर उसे ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, 28,697, 53,086, 47,300, 56, 20,893। क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करना है, हमें कॉलम बनाना है, तो कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले 1, 10, 100, 1,000, 10,000। अब दिए गए नंबर्स को कॉलम वाइज लिखते हैं, 28,697, 53,086, 47,356, 20,893। इसे में क्या करना है, प्लस करना है। तो सबसे पहले वन के कॉलम को हम प्लस करेंगे, 7 + 6 = 13, 13 + 6 = 19, 19 + 3 = 22। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 2 हमारा कैरी बचा हुआ है, वो अब 10 के कॉलम में प्लस हो जाएगा। 9 + 2 कैरी इसमें प्लस करेंगे, 11, 11 + 8, 19, 19 + 5, 24, 24 + 9, 33। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 3 हमारा कैरी बचा हुआ है, उस कैरी को हम 100 के कॉलम प्लस करेंगे, 6 और 3 कैरी प्लस करेंगे तो 6 + 3 = 9, 9 + 3 = 12, 12 + 8 = 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और 2 हमारा कैरी बचा हुआ है, 1,000 के कॉलम में उसे प्लस करेंगे, 8 + 2 = 10, 10 + 3 = 13, 13 + 7 = 20। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, 2 हमारा कैरी बचा हुआ है, वो 10,000 के कॉलम में प्लस करेंगे, 2 + 2 कैरी बचा है, 4, 4 + 5 = 9, 9 + 4 = 13, 13 + 2 = 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब 15। आंसर हो जाएगा हमारा 1,50,032। यही क्या है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, 49,746, 9,654,
13,540, 784। क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉलम बनाना है। 1, 10, 100, 1000, 10,000। क्वेश्चन दिया है 49,746, 9,654। नेक्स्ट नंबर है 13,540। नेक्स्ट नंबर है 784। इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 14 को हम प्लस करेंगे। सबसे पहले 1 के कॉलम को प्लस करेंगे। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14। यहाँ पर लिखेंगे हम 14। 1 कैरी हमारा बचा हुआ है। 4 प्लस 1 कैरी 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 8 22। यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 हमारा कैरी बचा हुआ है। उस कैरी को हम 100 के कॉलम में प्लस करेंगे। 7 प्लस 2 कैरी 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 7 27। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। 2 कैरी हमारा बचा हुआ है। अब 1000 के कॉलम में कैरी को प्लस करेंगे। 9 प्लस 2 कैरी 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 3 23। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। टू हमारा कैरी बचा हुआ है, उसे हम 10,000 के कॉलम में प्लस करेंगे। 4 प्लस 2 कैरी 6, 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हमारा 73,724। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 64,009। नेक्स्ट नंबर है 999। नेक्स्ट नंबर है 7,777। नेक्स्ट नंबर है 18,584। क्वेश्चन नंबर 15 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम वाइज में लिखेंगे। कॉलम बना लेते हैं सबसे पहले हम। कॉलम है 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000। नंबर्स है 64,009। नेक्स्ट नंबर है 999। नेक्स्ट नंबर है
7,000, 777, 77. नेक्स्ट नंबर है 18,000, 584. इसे क्या करना है, प्लस करना है. सबसे पहले वंस के कॉलम को हम प्लस करेंगे. 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 4 29. यहाँ पर लिखेंगे हम 9. 2 कैरी बचा हुआ है. 10 के कॉलम में कैरी को हम प्लस करेंगे. 9 प्लस 2 कैरी 11. 11 प्लस 7 18. 18 प्लस 8 26. तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6. 2 कैरी बचा हुआ है. 100 के कॉलम में उस कैरी को प्लस करेंगे हम. 9 प्लस 2 कैरी 11. 11 प्लस 7 18. 18 प्लस 5 23. यहाँ पे हम लिखेंगे 3. 2 हमारा कैरी बचा हुआ है. 1000 कॉलम में उसे हम प्लस करेंगे. 4 प्लस 2 कैरी 6. 6 प्लस 7 13. 13 प्लस 8 21. यहाँ पर लिखेंगे हम 1. 2 हमारा कैरी बचा हुआ है. उस कैरी को हम 10,000 के कॉलम में प्लस करेंगे. 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हमारा 91,369. यही क्या है हमारा आंसर. डियर स्टूडेंट, आपको इसमें जो भी क्वेश्चन न समझ में आया हो, आप लोग उस क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकते हैं.